The last sessions of this conference. I would like to call upon our Honorable President, Dr. Farhan Bhai, for his guidelines on how to get opportunities in Pakistan for graduates, especially our Jamshan graduate, because he's settled in Pakistan, he's a consultant surgeon now. So I would like to call upon Farhan Bhai to do the presentation. और मैं आगे अप्लाई करें
अजय के मेरिट के भी कुछ चेंजेस आते रहते हैं। जो अब रिसेंट है वो ये है कि आपके एमबीबीएस के 5 साल के मार्क्स हैं, एसबीपीएस के एमएस एमडी उसका परसेंटेज है, प्लस आपके 20 मार्क्स आपकी पैदगी जो आपकी जॉब है उसके हैं, जो रोटेशन के तहत उसके बाद जो आपके रिसर्च के मार्क्स हैं, डिस्टिंक्शन के मार्क्स हैं, और आपके गवर्नमेंट ग्रेजुएट होने के मार्क्स हैं, और आपके अपनी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने के मार्क्स, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अटैम्प्ट के मार्क्स इतने खत्म थे जो कि पहले अटैम्प्ट के मार्क्स भी हुआ। इसमें यह क्या आपने पहले तो जिस टाइम पे था कि तो अगर बेनिफिट कुछ ज़्यादा नहीं था तो उन्होंने जब से इसके अंदर मार्क्स ऐड किए फैसिलिटी के, तो अब फैसिलिटी का कोई चीज़ आपको खाली मिलते हैं। अब अक्सर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ बेचारे जिन्होंने पार्टनर पास किया और 3-3 साल पार्टनर एक्सपायर हो गए क्योंकि बेचारा वो फैसिलिटी की जॉब। तो पहले जो हालात थे अब हालात उससे थोड़े से डिफरेंट है, बट डजंट मीन कि बिना ही मुश्किल है। हमारे आपके सारे सीनियर्स हैं, एक लॉन्ग लिस्ट है जो कि थोड़ा PhD में या अदर इंस्टीट्यूट में काम कर रही है जो कि इसी प्रोसेस के थ्रू गए। तो इसमें यह कि आप डिपार्टमेंट देना है और आपने इंडक्शन में अप्लाई करना है। इंडक्शन में के अप्लाई करने के बाद आपकी 4-5 साल की ट्रेनिंग है, उसके बाद आपने एक मिड पे एग्जाम है, इंटरमीडिएट मॉड्यूल और एक लास्ट पे एग्जाम है जो फाइनल आपने एग्जाम है। इसमें आपका एक सिनॉप्सिस होता है, एक डेजर्टेशन आपने आपने करनी होती है, दोनों में अच्छी की अदर दोनों का दिन ही नहीं। तो जो इसका ये है कि पाकिस्तान में अगर आपने ये करना है तो FCPS के MNMD दोनों में कोई भी आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो इट्स ओके, डजंट मैटर आपने FCPS किया या MNMD। पहले टाइम था कि MNMD को वो इम्पोर्टेंस नहीं थी, लेकिन अब स्किल इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान FCPS और MNMD बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। आप दोनों के कंसल्टेंट हो सकते हैं, दोनों से सेम अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कोई चेंज नहीं है। ये लोग बुजुर्ग आते हैं कि प्लान करेंगे तो ऐसे होगा, प्लान करेंगे ऐसे होगा, और तो दोनों के एग्जाम के फैक्टर थोड़े से मुख्तलिफ हैं, साइनोसिस का प्रोसेस थोड़ा मुख्तलिफ है, डेजर्टेशन मुख्तलिफ है, लेकिन इवन दैन दोनों में जब आप पास आउट हो जाते हैं तो सेम का सेम हो। तो इन दैन लास्ट MCPS प्रोग्राम बेसिकली 2 ईयर प्रोग्राम, इसमें आपको अनफॉर्चुनेटली पे नहीं मिलती या मार्केट करते हैं और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, और इसमें 2 साल की ट्रेनिंग है, 2 साल के बाद आप उसके काम देते हैं और उसके बाद आप पास करके आप कंसल्टेंट, इसमें भी जो है ना बाद जगह जिसको कंसल्टेंट इनको देते हैं और बाद में अच्छा देते हैं, तो ये इसके लिए थोड़ा प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें तो आपके पास MPH या मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ ये आप कर रहे हैं, तो उसके बाद आप जो है ना किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में यानी MS या EMS हैं इस पोस्ट में आप जो है या CEO हेल्थ हो गया DTH जो चाहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हुक्म देना थोड़ा अच्छा लगता है कि मैं ऑर्डर चलाऊँ जो है ना, तो वो ये बात है। ऑर्डर जो आप बात है दैट इज कि आप चाहते हैं कि मैं पेशेंट से इंटरेक्ट नहीं करना, तो मैं स्टूडेंट को पढ़ाना चाहता हूँ, तो उसके लिए बेस्ट आप कैंपेन करें और किसी भी व्यक्ति और उसके थ्रू आप जो है ना वो तो करके आप जो है पेशेंट का इंटरेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जो है ना वो आपको। और आखिरी जो है ना कि आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल रिलैक्स ना हो जिंदगी में, कुछ ना करूँ तो मैं मोर हूँ, जिसको हमारे आपके पास क्रॉनिक एमओ कहते हैं, वो कुछ नहीं करता तो एमओ रहता है, एमओ रहता है, एमओ रहता है, और जो है ना और सबसे अच्छी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मैं सबसे अच्छी यही रहती है। फिर आप जब एमओ रहते हैं फिर आपके अंदर पर जो चार का फिर आपको की हुआ जाता है कि उसके बाद आ गई। देखिए प्रॉब्लम ये है कि आपके नहीं मिल रही, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें दो ऑप्शन, आप उन्होंने जो नहीं चेंज किया उसमें उन्हें प्राइवेट जो है कुछ जो यानी टीचिंग हॉस्पिटल है उनके मार्क्स भी ऐड करें, और जिस तरह टाइम है रिसेंटली टीचिंग हॉस्पिटल में भी आए दिन जॉब आ रही हैं, ऐसा नहीं है। इवन अभी हमारे हॉस्पिटल में हमारे जिला मेडिकोलॉजी हॉस्पिटल में 100 and something के करीब जो है वो डिपार्टमेंट हैं, तो इनके भी मार्क्स हैं जो आपके पैसे में आप जो आपके इंडक्शन आए। तो जो है ना लकी जब मैंने अपनी इंडक्शन ली थी तो मुझे पैसे नहीं देनी पड़ी, और जब फॉर्म पास मुझे इंडक्शन मिली थी और इसलिए मेरा जो है ना मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपने किसी
आपका शर्ट नहीं करनी है क्या, तो उसमें मैं खा लेता है तो उसने आपको पैसे वहाँ से उसके बाद कोई और ऑफर नहीं, ठीक है। और अगर सेकेंडली कि अगर आप एम मोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो उसमें एक ऑप्शन है कि आप एम सी जैसे टाइम में मेडिसिन कर लें, तो उसके थ्रू ये है कि आप एज ए जो है चीफ शिप जिसको कहते हैं ना, उसके थ्रू जो है वो आप कर सकते हैं। जिन थ्रू को यह कि मैं बहुत ज़्यादा लाइफ में इस जना परेशानी नहीं लेना चाहता ट्रेनिंग की ये हाँ करती, तो उस दिन पर ये करें या फीमेल के लिए सब जैसे इसके और आप डेमोन्स्ट्रेटरशिप लेकिन करके डेमोस्ट्रेट, लेकिन अगेन बात करिए कि उसके अंदर जो है आपका साथ, ठीक। थैंक यू सो मच।